संतोष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे गोरखपुर से जुड़ गए हैं। संतोष, कोई बड़ा हाथ, कोई बड़ा चेहरा मुर्तजा के पीछे बताया जा रहा है, इसकी क्या वजह है? किस तरीके से ये कड़ियां किसी बड़ी साजिश तक जुड़ रही हैं? क्योंकि गंडासा लेकर कोई गोरखनाथ मंदिर से जुड़े सुरक्षा कर्मियों पर हमला तो नहीं करेगा, जाहिर तौर पर कोई मंशा रही होगी बड़ी। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दे करके, एक प्लानिंग रच करके अहमद मुर्तजा अब्बासी गोरखनाथ मंदिर पहुंचा था रविवार शाम 7:30 बजे। जो वक्त था वो बहुत अहम था। 7:30 बजे का वो वक्त होता है जब गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या होती है। वो हाथ में एक गंडासा लेकर के पहुंचता, बैग में एक गंडासा और एक चाकू लेकर के रखा था, और उसने अचानक से पहुंचते ही, मेरे पीछे जो आप बुलेट प्रूफ जो एक पोस्ट देख रहे हैं, यहीं पर वो कांस्टेबल अनिल पासवान बैठा था, और उधर से आते हुए उसने सीधे से अनिल पासवान के ऊपर गंडासे से हमला कर दिया, और उसकी जब राइफल गिर गई और दूसरे जवान ने उस राइफल को छू लिया, उसको उठाने की कोशिश की, तो उसने उस जवान को भी घायल कर दिया। उसके पास सीधे से प्लानिंग थी कि गंडासे से जवान को घायल करे, उसकी एसएलआर राइफल लेकर के जो श्रद्धालु थे उनको निशाना बनाने की फिराक में था, फुल्ली रेडिकलाइज था, बहुत खतरनाक मंसूबों के साथ वो खुद को, अपने आप को एक फिदाइन के तौर पर पेश करने के लिए ही उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। वो लंबे समय से, जब वो आईआईटी मुंबई में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, तभी से उसको सीरिया और आईएसआईएस से जुड़े हुए वीडियोस देखने का चस्का लग गया था, तभी से देख रहा था। नेपाल के जरिए उसने 8 लाख रुपए आईएसआईएस के हिमायतियों के खाते में पहुंचाए थे, यह यूपी एटीएस के जांच में खुलासा हो चुका है। और गोरखनाथ मंदिर की अगर हम बात करें, यह बहुत अहम हो जाता है कि अभी थोड़ी देर पहले यहां पर सिक्योरिटी रिव्यू हुआ, बुलेट प्रूफ पोस्ट अब यहां पर लगा दी गई है।